और पुलिस पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अपराध छिपाने के लिए हर पीड़ित की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, लेकिन ये बात गलत है। एक तरीके से पुलिस के देखा जाए कार्य प्रणाली को तो लगातार पुलिस इस मामले में कार्रवाई भी करती है, पीड़ित की मदद भी करती है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी करती है। मैं अपने बेटे के मोबाइल खो जाने के संबंध में आया था और जिसकी सूचना मैंने 20/2/2023 को साहब के सामने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने मैंने पेश होकर के प्रस्तुत किया था और जिस पर कार्रवाई भी हुई और सर्विस लाइन्स पर नंबर भी लगाया गया। लेकिन कुछ जिन तत्वों को मेरा मोबाइल मिला उन तत्वों द्वारा 3 नंबरों से फोन आ रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है कि आईफोन की आईडी बताओ। इस वक्त हम खड़े हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर, जहां पर अभी प्रभार लिया है प्रभाकर चौधरी जी ने नए एसएसपी के रूप में, और नई कार्य प्रणाली यहां पर देखने को मिली है। कुछ यहां पर फरियादी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ नया अब शुरुआत हुई है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में। क्या नाम है आपका? इमरान नाम है मेरा। इमरान जी, तो ये बताइए आज आप आए हैं क्या, किस चीज़ को लेकर फरियाद करने आए हैं आप? मैं इस चीज़ को लेकर फरियाद करने आया हूँ, मेरे बड़ा भाई था वो ख़त्म हो गया है और घर में मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मेरा 70-75 गज में घर है, उस पर मेरी भाभी और उसके दोनों भाई आसिफ और आकिब और 2 भतीजे साहिल और सोहेल मेरा पूरा घर हड़प करना चाहते हैं, जबकि मैं आधा देने के लिए राजी हूँ कि आधा घर ले लो मेरा और आधे आधे 2 हिस्से हैं तो बराबर बराबर हिस्सा कर लो। लेकिन उसके बावजूद वो मुझे मारते हैं, रात में दिन में हमला कर देते हैं। कल भी मेरा विवाद हुआ था, मैं घर पर था नहीं तो मेरी बीवी को सब चोटे वोटे मार दी थी, मेरे घर पे दरवाजे तोड़ दिए हैं और जो दरोगा जी ने ये लिख के भी दिया था राजीनामा परसों कि राजीनामा हो गया था मेरा कॉम्प्रोमाइज़, उसके बावजूद भी मेरी किमाड़ें तोड़ी गई हैं, मुझे जान का खतरा है, इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हिस्सा बंटवारा हो जाए, लोग बैठ के हिस्सा बंटवारा आधा आधा कर दी। आपको ये पीली पर्ची पकड़ाई गई है और ये नया नई एसएसपी ने नई एक रूल निकाल दिया है यहाँ पे पीली पर्ची फरियादी को देने का, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन मिला है और क्या कहा गया है? नहीं, ये ठीक है, ये मुझसे ये पर्ची दे दी गई, मुझे बढ़िया लगा ये पर्ची का। और क्या कहना चाहेंगे, ये नई चीज़ आपको शुरुआत की गई न्याय दिलाने के लिए फरियादियों के लिए नया, तो क्या एसएसपी साहब को क्या कहना चाहेंगे? ये पर्ची के बारे में सब सही है, पर्ची दे दी है मुझे और उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा मुझे, उम्मीद है न्याय मिलेगा मुझे। और मेरी ये भाभी ये कहती है कि झूठे मुकदमे में तुझे फंसा दूंगी, क्षेत्र के केस में ये सब आरोप मेरे ऊपर लगाती है। तो साफ तौर पर फरियादियों का कहना है कि जब से ये पीली पर्ची का शुरुआत हो चुकी है और न्याय की उम्मीद अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कैमरामैन अमल के साथ शशांक राठौर, MKN न्यूज़ बरेली।